तो गाइज राउंड ऑफ सिक्सटीन का लास्ट मुकाबला पोर्टुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड एक बेहतरीन मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है यहाँ पे क्योंकि स्विट्जरलैंड हैज बीन सॉलिड अगेंस्ट ब्राजील एज वी ऑल नो इन ग्रुप स्टेजेस जिस तरह से उस, उन लोगों ने परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट ब्राजील नो डाउट दे वन नील से हार गए थे लेकिन एटी मिनट तक उन लोगों ने ब्राजील को रोकने में कामयाब रहे थे और जिस तरह से वहाँ पे अकानजी ने डिफेंसिव अब मास्टर क्लास दिखाया था आई थिंक दे हैव बीन रियली गुड इन डिफेंसिव अगर हम स्विट्जरलैंड की लाइनअप की बात करें गईज तो हमने जैसे बोला कि अकानजी वेल्ड में हैज रोदरी ब्रिलियंट इन बैक अगर मिडफील्ड uh, की बात करें तो साका एंड हैज uh, ब्रिलियंट uh, अगर फ्रंट में देखें तो एम्बोलो वर्गसो really, really uh, जिस तरह से परफॉर्मेंस सर्बिया के सामने भी हमें देखने को मिली आई थिंक गोलकीपर में आज सोमेर uh, हमें फिर से देखने को मिलेगा लास्ट मैच वो नहीं खेला था अगर हम पोर्टुगल की लाइनअप की बात करेंगे इस तो पोर्टुगल में भी हमें यहाँ पे बैक में आई थिंक एंड पेपे के साथ जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ जाना पड़ेगा आपको एंड आई थिंक इसीलिए पेपो को चूज किया जाएगा आई थिंक लेफ्ट साइड पर कैंसिल होगा को खिलाएगा क्योंकि वहां पर उसका एक लास्ट मैच में भी खेला था अगर राइट साइड पे देखें तो आई थिंक डी डेलेट को यूज करेगा क्योंकि वो भी अच्छे फॉर्म में चल रहा है अगर मिडफील्ड की बात करें तो आई थिंक सांतोस विल गो विथ रूबे नेवेस कार्वालियो एंड ब्रूनो फर्नांडिस एंड फ्रंट थ्री की बात करें तो ऑब्वियसली जाओ फिलिक्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड बर्नाडो सिल्वा तो आई थिंक काफी कांटे की टक्कर होगी आई थिंक स्विट्जरलैंड विल स्टार्ट विथ ए मोर ऑफ डिफेंसिव यू कैन से डिफेंसिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करेगी लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे ही वो फर्स्ट गोल आता है तो दोनों ही टीमें एक एक अटैकिंग मोड में आ जाएंगी तो इसीलिए पोर्टुगल चाहेगी कि कैसे ना कैसे वो डेड को तोड़े एंड आई थिंक स्विट्जरलैंड विल ट्राई टू मतलब इंप्लीमेंट द गेम प्लान ऑफ काउंटर अटैक मेरे को लगता है कि पोजेशन यार पोर्टुगल डोमिनेट करेगी लेकिन स्विट्जरलैंड uh, चाहेगी कि वो काउंटर फेंके ले क्या आज रोनाल्डो का नॉकआउट स्टेज में गोल आएगा कि नहीं आएगा प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट ऑल्सो देट गाइस एंड आप भी अपना प्रिक्शन मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरा प्रडिक्शन रहने वाला है टू वन टू पोर्टूगल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मैच टू गो इन टू द एक्स्ट्रा टाइम बट यू नेवर नो मतलब जिस तरह से स्विट्जरलैंड खेल रही है वो एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकता है अगर पेनल्टी में चला गया फिर तो भाई कुछ भी हो जाएगा तो यहाँ पे अगर स्विजरलैंड पोर्टुगल uh, को हराती है तो ऑब्वियसली एक बड़ा अपसेट माना जाएगा इसको लेकिन यहाँ पे स्विट्जरलैंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड पोर्टुगल भी अच्छे रिदम के साथ आ रही है नो no डाउट थे वो अपना लास्ट मैच ग्रुप स्टेज का साउथ कोरिया से टू वन से हार गए लेकिन आई थिंक वो सेकंड स्ट्रेंज टीम खेल रही थी तो अपने मेन प्लेयर वापस आ रोनाल्डो वापिस आ रहे ब्रूनो वापिस आ रहे तो सी की कि किस तरह से ब्रूनो का परफॉर्मेंस रहता है रोनाल्डो का परफॉर्मेंस रहता है एंड क्या रोनाल्डो नो में गोल मार पाएगा, कि स्टेज वो टाइम ही बताएगा तो प्लीज लेट मी नो योर कमेंट वेरी मच टेक केयर बाय बाय